इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये सर्किट के अंदर कैसे फ्लो करता है ओपन सर्किट के अंदर फ्लो करेगा या फिर क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करेगा आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में जानने वाले हैं हेलो स्टूडेंट्स आई एम विजेंद्र सिंह एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल वी शिक्षा मेक्स योर स्टडी ईजी इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट आज हम जो है इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में जानेंगे जब आपका जो है कोई कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट है अब हम जरा इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं हमने देखा था ना कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे तभी तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मैटर की एक फ़िजिकल प्रॉपर्टी है और चार्ज जो है हमेशा दो तरह का होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर आपका नेगेटिवली चार्ज होता है तो कंडक्टर के अंदर जब ये चार्ज फ्लो करता है तो तब जो है करंट जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है चलो एक एग्जांपल से समझते हैं देखिए एक टॉर्च के अंदर जो आपकी एक जो टॉर्च होती है उसके अंदर जब सेल और बैटरी के द्वारा जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज है या फिर जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोवाइड कराया जाता है तो बल्ब आपका ग्लो करता है लेकिन बल्ब आपका तभी ग्लो करेगा अगर आपका स्विच ऑन है अब स्विच का यहाँ पर क्या काम है स्विच जो है वो एक कंडक्टिंग लिंक का काम करता है किसके लिए सेल और बल्ब के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या आपका फ्लो ऑफ चार्ज जो है जा रहा है तो स्विच जो वहाँ पर अगर आपका स्विच ऑन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा अदरवाइज़ आपका स्विच अगर ऑफ़ हुआ तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा तो इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में लिख सकते हैं कि जो आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो एक आपका एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए दूसरी चीज़ आपका क्लोज्ड होना चाहिए क्योंकि अगर वो क्लोज नहीं हुआ तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा तो इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो दो तरह का होता है एक आपका ओपन और एक आपका क्लोज तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है आपके चार्जेस का फ्लो होता है अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके जो चार्जेज है उनके जो आपके चार्ज का जो अमाउंट है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये पर यूनिट टाइम के अंदर कितना हुआ है उसको ही हम जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये जो आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके जो उनका जो फ्लो है उसका ये रेट होता है इन ए सर्किट एक सर्किट के अंदर जो मेटालिक वायर है वो यूज करती है इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज देखिए जब आपका इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमिना आया था तो उस समय जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे इसलिए जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंसिडर किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी जो पॉजिटिव चार्ज की होगी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज की फ्लो में ली गई तो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक सर्किट के अंदर जो है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो उसको क्या लिया गया है उसको हम हमेशा क्या लेते हैं अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ़्लो करते हैं तो क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की जो आपके डिस्कवर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था इसलिए करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ली गई थी तो कन्वेंशली हम जो है करंट की जो है डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा ही अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है और हम वो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ़्लो करते हैं अच्छा सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर जो फ़्लो ऑफ चार्ज हुआ जो नेट चार्ज है वो क्यू है और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर जो नेट चार्ज आपका जो फ्लो हुआ है उसको टाइम जो टी लगा है तो आपका जो करंट होगा वो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर जो होगा वो किसकी को लगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी क्यू जो है नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और टाइम के लिए हम टी ले लेते हैं और करंट को जो है आई से एक्सप्रेस करते हैं आई जो है ये आपका एक फ्रेंच लेटर से लिया गया वर्ड है और इसका मीनिंग होता है करंट इंटेंसिटी और ये सबसे पहले जो आपके इसको जो है एम्पीयर के द्वारा यूज़ किया गया था एंड्री मैरी एम्पीयर के द्वारा तो आपका जो करंट होगा वो किसके कोल होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कूलम जो आपका एस आई यूनिट है वो आपकी क्या है कूलम और ऐसा यूनिट का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड यूनिट जो हर कंट्री के अंदर एक जैसी ही चलती है अब एक कूलम के अंदर जो आपका एक कूलम चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा एक कूलम चार्ज आपका जो है सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर एटीन इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज जितना चार्ज आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिक्स टेन की पावर एटीन जितना चार्ज आपका इन इलेक्ट्रॉन के अंदर होगा उसको हम जो है वन कूलम कहते हैं मतलब वन कूलम चार्ज और जो आपके इलेक्ट्रॉन दिया गया सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर एटीन इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज वो आपस में इक्वल होगा और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपका चार्ज होता है वो होता है वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर माइनस नाइनटीन तो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो एसआई SI यूनिट है वो आपकी क्या है एम्पेयर जो कि जो आपके फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम एंड्री मैरी एम्पेयर है उनके नाम पर रखी गई है तो अभी हमने देखा था कि जो करंट आपने देखा था ना कि एक कंडक्टर के अंदर जो करंट कितना था आई इज कल टी देखिए आई की जो ऐसा SI यूनिट क्या होगी एम्पेयर होगी और चार्ज की ऐसा SI यूनिट क्या होगी आपकी कूलम होगी और टाइम की सेकंड होगी तो हम जो है ऐसे वन एम्पेयर आपका इक्वल हो जाएगा वन एम्पेयर इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकंड ये जो है करंट की स्मॉल क्वांटिटी है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है अगर आपकी और छोटी क्वांटिटी होती है करंट की तो उसको एक्सप्रेस करने के हम जो है मिली एम्पेयर ले, ले लेते हैं या फिर हम उसको माइक्रो एम्पेयर भी लेते हैं अब देखिए कि एक स, आ, सर्किट के अंदर जो है ठीक है सर्किट के अंदर जो है अगर आपने करंट को मेज़र करना है तो उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसे हम जो है एमीटर कहते हैं और अमीटर हमेशा ही सर्किट के अंदर जो है एक सीरीज में कनेक्टेड होता है देखिए एक सर्किट के अंदर जो है आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है फ्लो करता है विच इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज है और ये करंट जो आपका किसके द्वारा जाएगा सेल से जाएगा सेल से बल्ब और एमीटर से होकर जाएगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें